हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पूछा गया सवाल मुझसे DDL के बारे में। अब ये DDL है क्या? देखिए SQL कमांड जब आप यूज करते हैं तो उसमें पहला पॉइंट होता है DDL, जिसका फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कुछ कमांड्स यूज किए जाते हैं, जैसे अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। इसी तरह से अल्टर कमांड, कुछ उसमें चेंजिंग करनी है, डेटा टाइप्स वगैरह चेंज करने हैं तो अल्टर कमांड का यूज करेंगे। कुछ उसमें से हटाना है तो ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, ट्रंकेट कमांड का यूज करेंगे, रीनेम कमांड का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये जो कमांड्स हैं वो DDL के कमांड्स हैं, ठीक है। और DDL क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये कमांड मैंने अलग अलग तरीके से बताया है कि ये कैसे काम करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये अलग अलग तरीके से बताया मैंने, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कमांड काम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे DDL, तो बात समझ में आ गई कि DDL क्या होता है। अब ये डेटाबेस का ही पार्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, SQL भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में एक टर्म यूज होता है DDL, जिसे बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो अब ये जो है SQL में यूज होता है। अब यहां पर पहला जो इसमें कमांड है वो क्रिएट है। क्रिएट कैसे यूज करेंगे? देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे ही ओपन करते हैं आप, तो ये देखिए यहां से ब्लैंक डेटाबेस चूज करता हूं मैं और यहां से क्रिएट पर क्लिक कर देता हूं। तो जैसे ही क्रिएट पर आएंगे तो जनरली हम टेबल बनाने के लिए क्रिएट पे जाते हैं, यहां से व्यू पे जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? व्यू पे नहीं जाना है, हम डायरेक्टली क्रिएट पे जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से टेबल वन आएगी, यहां पे क्लोज कर दीजिए आप और क्लोज करके सीधा सीधा SQL पे आ जाइए। आ गए। अब हमको यहां पर कोई टेबल अगर बनानी है तो हम यहां पर क्रिएट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? क्रिएट का। तो यहां पर सिंपली लिखेंगे क्रिएट कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर क्रिएट क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं ना। तो यहां पर टेबल लिख दिया और टेबल का नाम क्या दे रहे हैं? टेबल का नाम दे रहे हैं लाइक माई टीवी या माई टेबल, कुछ ऐसे कर देते हैं माई टेबल, ठीक है। तो ये दे दिया हमने माई टेबल, ओके। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब यहां से स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। अब यहां पर हमको बताना है, जैसे मान लीजिए पहला हम दे रहे हैं रोल नंबर, और रोल नंबर एक फील्ड बना रहे हैं हम, तो ये रोल नंबर नाम का फील्ड बना लिया, अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा। और ये कौन सा डेटा टाइप होगा रोल नंबर? इंटर डेटा टाइप होगा, ठीक है। इंटर डेटा टाइप दे दिया हमने, हमने बता दिया कि रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटर डेटा टाइप होगा। और ये क्या होगा? प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की। तो ये भी हमने बता दिया, इतना क्लियर हो गया। अब इससे क्या होगा कि टेबल बनेगी। यहां पर जो हमने यूज किया है क्रिएट कमांड, इससे टेबल बनती है। क्या बनती है? टेबल बनती है, ठीक है। तो क्रिएट टेबल लिखा है हमने, तो इससे टेबल बन जाएगी। अब यहां पे कॉमा लगा करके एंटर करके नीचे आता हूं। अगर हमको कोई दूसरी फील्ड डालनी है, जैसे कि यहां पर लिखा मैंने नेम ऑफ, फिर लिखा मैंने स्टूडेंट, तो ये पूरा पूरा नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। आप चाहे तो वेयर कैर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये टेक्स्ट लिख दिया हमने। और यहां पर आएंगे तो अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसमें तो कुछ करना नहीं है। फिर यहां पे कॉमा लगाइए। अगर आपको नीचे कोई और भी डेटा एंटर करवाना है तो यहां पे जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं क्लास, तो क्लास क्या करता हूं? इंट डेटा टाइप कर देता हूं, ठीक है। सिंपली क्या कर दिया? इंट डेटा टाइप कर दिया और यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, यहां पे जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे तो एक नई टेबल बन जाएगी। क्रिएट जो कमांड यूज होता है SQL में, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? DDL में पहला जो है वो है क्रिएट, तो क्रिएट का मतलब समझ में आ रहा है। क्रिएट कमांड का मतलब क्या होता है? अब इस पे क्लिक किया मैंने, देखिए यहां टेबल बन गई। माई टेबल दिया था नाम मैंने, ये पहली वाली टेबल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। जो टेबल वन पहले बन गया था इसको मैं डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं, इसको मैंने सेव ही नहीं किया। अब ये माई टेबल बन गई, डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, दिख रहा है? अब ये देखिए यहां पर इसे मैंने प्राइमरी की बनाया था, तो क्या ये प्राइमरी की के तरह से ही काम करेगी? यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं वन और यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट का नाम राम, RAM राम लिख दिया, क्लास लिख दिया 12th, ठीक है। यहां पर है, अगर मैं यहां पे 1 देता हूं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? यहां पे लिखता हूं श्याम, अभी तो ठीक है, यहां पर आए और यहां पे 11th कर देते हैं और यहां पर आते हैं। तो यहां पे जैसे ही आएंगे तो चूंकि हमने प्राइमरी की बना दिया था ना, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है, समझ में आ रहा है? DDL यहां पर 2 लिखेंगे तो यही एक्सेप्ट कर जाएगा, फिर आप यहां पे आ जाएंगे, फिर 3 करिए, 4 करिए, ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने टेबल बना लिया और ये क्या बनी हुई है? ये क्वेरी से टेबल बनी है, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको सेव कर लेते हैं, ये सेव कर लेंगे क्वेरी वन के नाम से सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे ये टेबल वन तो है ही है, इन दोनों को ही क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोज कर दिया हमने, अब मान लीजिए कि आपको सेलेक्ट कीवर्ड जो है, सेलेक्ट जो कमांड है उसका यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? सेलेक्ट कमांड का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वापस से क्रिएट पे जाना है और यहां से आ जाना है क्वेरी डिजाइन पर, क्योंकि क्वेरी डिजाइन करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहां पर आ गए, अब यहां पे ये ऐसे आएंगे तो ये एसक्यूएल दिखेगा, अब यहां पर देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो यहां पे सेलेक्ट लिखेंगे फ्रॉम, अब कौन से टेबल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देता हूं माई टेबल, ठीक है। तो ये लिख दिया माई टेबल, अब माई टेबल से सेलेक्ट आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी, ठीक है। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो यहीं से सेलेक्ट करना है, बात समझ में आ रही है। अगर आपको पूरा टेबल ही सिलेक्शन में लेना है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली केवल इतना करना है, सेलेक्ट दिया हुआ है ना, सेलेक्ट यहां पर आप स्टार लगा दीजिए, ठीक है, एक बार स्टार लगा दीजिए और बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है, एक बार स्टार लगा दीजिए काम हो जाएगा। ये देखिए यहां से इसको एक बार रन कर दीजिए आप, केवल ये रन कर दिया, तो देखिए जिसको आपने सेलेक्ट किया था पूरी की पूरी टेबल आ गई कि नहीं आ गई, यानी आपने सेलेक्ट कमांड का भी यूज सीख लिया, कैसे यूज होता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। डीडीएल में सेलेक्ट कमांड का यूज कैसे करेंगे, ये बात समझ में आ गई, एक ही बार में पूरा डेटा आ गया सेलेक्ट करने से, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक चीज और देखते हैं, जैसे क्या हम यहां पर जीरो एंटर कर सकते हैं, यहां पर जीरो लगाइए, ये जीरो अपने आप हट जाता है, जैसे ही मैं हटता हूं यहां से क्लिक करता हूं बाहर, तो ये जीरो हट जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखता हूं एक और नाम, जैसे मान लीजिए लिख दिया सीमा, अब यहां पे जीरो वन लिखने की कोशिश करता हूं तो ये जीरो ऑटोमेटिकली हट जाता है, क्योंकि हमने इंटीजर ले रखा है ना, इस वजह से ये हट जाता है। तो अभी इसके लिए हम चाहते हैं अल्टर जो कमांड है उसका यूज करना, अल्टर कमांड कैसे यूज करेंगे, अल्टर कमांड यूज करने के लिए भी आपको क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और यहां से क्लोज बटन पे क्लिक करना है, और यहां से एसक्यूएल पे आ जाना है। यहां पर आपको सेलेक्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी सेलेक्ट हम यूज कर चुके हैं, तो अभी हम यूज करेंगे क्या, अल्टर। तो यहां पे लिखिए अल्टर, कुछ इस तरीके से अल्टर लिखिए, ठीक है। और अल्टर लिखने के बाद आपको क्या करना है, टेबल को अल्टर करना है, किसको अल्टर करना है, क्वेरी को अल्टर करना है, टेबल को अल्टर करना है, किसको अल्टर करना है, जिसको भी अल्टर करना है आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये टेबल है तो टेबल को ही अल्टर करना हो तो क्या करेंगे, टेबल को भी अल्टर कर सकते हैं। कैसे अल्टर करेंगे, यहां पर लिखा अल्टर और फिर आपको लिखना है यहां पर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या दिया गया है, टेबल का नाम दिया गया है माई टेबल TABLE, ये दिया गया ना, तो ये तो हो गया। लेकिन अब अल्टर हम टेबल को करेंगे तो किसको अल्टर करेंगे, अब यहां पर पहले टेबल पे लिख देता हूं क्योंकि हम टेबल को ही अल्टर कर रहे हैं, ये भी तो बताना होगा, तो ये टेबल पे लिख दीजिएगा आप और फिर एंटर करके नीचे आइए। जैसे नीचे आएंगे तो आपको फिर यहां पे अल्टर लिखना है, क्यों, क्योंकि हम अल्टर किसको करने वाले हैं, टेबल में किसको अल्टर करेंगे, ये भी तो सवाल उठता है कि आप टेबल अल्टर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेबल में किसको अल्टर करेंगे। तो यहां पर देखिए टेबल में हम अल्टर करने वाले हैं किसको, ये देखिए ये क्लास जो है इसको अल्टर करने वाले हैं, हम चाहते हैं ना कि इसके पहले जीरो लग जाए, जीरो नहीं लग रहा था याद है, तो अभी हम चाहते हैं कि इसके पहले जीरो लग जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्टर करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे COLUMN कॉलम, ठीक है। और कॉलम लिखने के बाद आपको यहां पे देना है क्लास CLASS, क्लास दे दिया, और क्लास को हमने दिया था इंटीजर डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप दिया था, इंटीजर डेटा टाइप दिया था, याद है ना, तो अभी इंटीजर से हमें इसे चेंज करना है, ठीक है, इंटीजर हटाना है और कोई और डेटा टाइप इसको देना है, ठीक है। पर मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं वेयर कैर, ठीक है, ये दे दिया हमने, और इसमें हम कर देते हैं लाइक सेवन कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं, या एट कैरेक्टर्स, कुछ भी कर लीजिए आप, 8-9 कुछ भी कर सकते हैं, तो ये 8 दे दिया मैंने, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है ना, तो ये मैंने यहां पे 8 दे दिया है, ठीक है। अब बारी है इस क्वेरी को रन करवाने की, तो डिजाइन पे जाकर रन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे टेबल ओपन है तो इसके वजह से ये रन नहीं हो रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। और अब ये देखिए रन हो गया है, देख सकते हैं ये रन हो चुका है, यहाँ पे क्वेरी 3 आया हुआ है। और यहां पर अभी हमें क्या करना है, एक काम और करना रह गया है, इसको अभी क्लोज करता हूं यहां से, और अब क्वेरी 3 पर डबल क्लिक करता हूं और यहां से इसको क्लिक करता हूं। अब यहां पे टेबल पे अगर आप जाते हैं दोबारा से,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्लास लिखा हुआ है, लेकिन अब देखिए पहले ये राइट साइड में आ रहा था, अब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लगा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे अगर जीरो लगाएंगे तो अब देखिए ये जीरो एक्सेप्ट कर जा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, बहुत आसान है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेटा टाइप जो भी चेंज करना हो बड़े आसानी के साथ आप चेंज कर पाएंगे। देखिए सबके पहले जीरो लग जा रहा है, इसके पहले जीरो नहीं लग पा रहा था, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये देखिए ये भी जीरो, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली।